मेरा भारत वर्ष विजय भाव कारगिल विजय दिवस पर देश की सेनाओं को नमन सलूट अभिनंदन भारतवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सबको न्याय, सबके चेहरे पर खुशियां। जी हां, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष 7-8 वर्षों से जारी है। यह संघर्ष करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि मानदेय अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि इस महंगाई में आज जो है शिक्षा मित्र को कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं पर हाई कोर्ट भी शिक्षा मित्रों की ताज़ा मानदेय 10,000 रुपये पर नाराज़गी जताई है। जब यह लोकसभा चुनाव से पहले यह जो है आदेश हुआ था कि कमेटी बनाकर जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट 4 हफ्ते में दिया जाना चाहिए। वहीं पर इधर लोकसभा चुनाव उसके बाद आचार संहिता और के बाद सारे कुछ स्थगित हो गए। यह है कमेटी तो बन गया, लेकिन जो है यह 10,000 रुपये इस महंगाई में नाकाफ़ी है शिक्षा मित्रों के लिए। इसको लेकर 4 हफ्ते में रिपोर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव हाई कोर्ट ने जो है दे चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मानदेय और बढ़ाने की पेशकश किया जा रहा है। फिर चुनाव आने पर आचार संहिता लागू होने पर सभी रिपोर्ट रखा रह गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आ रहा है कि 10,000 रुपये से अब बढ़ाकर मानदेय 15,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यह शिक्षा मित्र बहने इस पर भी राजी नहीं है और नाराजगी जाहिर कर रही है, क्योंकि 7-8 सालों के संघर्ष के बाद 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी तो यह महंगाई जो है अधिक होती जा रही है और हम सभी को न्याय नहीं मिल रहा है। बढ़ती महंगाई से ना खुश हैं और उनका कहना है कि लगभग जो है 30,000 से 40,000 रुपये मंथली होना चाहिए मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, इससे पहले शिक्षा मित्र 40,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब जो है ना 20 मिल रहा है, ना 30 मिल रहा है, ना 40 मिल रहा है तो 10,000, जो कि महंगाई में यह बहुत ही कष्टदायक है और यह जो है सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठानी चाहिए, जिससे कि माली हालत में शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं सिर्फ यही एक भरोसा है और वह 10,000 में उनका घर परिवार नहीं पल पाता है। शिक्षा नीति को लेकर और आगे बढ़ाना है मजबूती के साथ तो जो है शिक्षा मित्रों को और संघर्ष के साथ उनके जो है न्याय करना होगा। तो इतने संघर्ष के बाद यह 10,000 रुपये से 15,000 रुपये जो है यह कहा जा रहा है कि मिलेगा। आखिर में शिक्षा मित्रों की जो है मांग को लेकर कितना सरकार खुशी जो है उन शिक्षा मित्र बहनों को दे पाएगा कि वो खुशी खुशी से जो है सरकार की जो है यह गुणगान करेंगी। तो अधिक मात्राओं में यह दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई पर भी यदि ध्यान दिया जाए तो 10,000 से 15,000 रुपये कुछ नहीं होता है। तो यह महंगाई अत्यधिक बढ़ रहा है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन बहनों की जो दूर दराज से आकर पढ़ाती हैं, जो लगभग 100-200 रुपये डेली खर्च कर देती हैं, वह आर्थिक स्थिति और माली हालत है उनकी और सभी सुविधाएं देनी चाहिए उन जो है शिक्षा मित्रों को जो इस वक्त काफ़ी लंबे रफ्तार के साथ कार्य कर रही हैं। 22 वर्षों से यह शिक्षा मित्र जो लागू हुआ है और 7-8 जो है वर्षों से या जो है उन वेतन मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्षरत हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय 8 वर्षों से पा रही हैं। शिक्षा नन्हे मुन्ने बच्चों को दे रही है और वह मजबूती
के साथ अपने कार्य निर्वहन माँ की ममता की तरह करती है उन बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा देती हैं, लेकिन यह कम मानदेय होने की वजह से उनका उनके परिवार का और उनका पालन पोषण घर परिवार नहीं हो पा रहा है। तो वहीं पर स्कूल को बेहतर और शिक्षा देने के लिए शिक्षा मित्रों को खुश करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे कि अनेक भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग जो है या जो है शिक्षा मित्रों को मानदेय दिया जा रहा है, जिससे कि जो है उसी तरह से यदि लागू किया जाए तो या उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपये बहुत कम है, और यदि 15,000 भी हो जाता है तो ये भी कम ही मान रहे हैं सभी शिक्षा मित्र के लोग। तो शिक्षा मित्र पिछले 22 वर्षों से संघर्ष के साथ साथ विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। वहीं पर 2017 से जो है 137 लाख शिक्षा मित्र का समायोजन सुप्रीम कोर्ट में दिया था या निरस्त हो गया था और 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है तब से, जो कि 7 वर्ष बीत चुका है। मौजूदा महंगाई के समय बहुत कम है। 2017 से 35% की बढ़ोतरी हुई है ऐसा बताया जाता है, लेकिन यह लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है उन शिक्षा मित्र बहनों को। आज भी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 10,000 रुपये ही मिल रहे हैं शिक्षा मित्रों को। वहीं पर बेसिक शिक्षा मंत्री मानदेय बढ़ाने के लिए बात की गई है, शिक्षा मित्र स्वागत करते हैं। कुछ शिक्षा मित्रों का कहना है कि 40,000 रुपये से कम इसे जो है होना चाहिए, और नहीं तो 30,000 रुपये तो या जो है न्याय वाला बात है हो जानी चाहिए। शिक्षा मित्रों का कहना है कि यह मानदेय या महंगाई को देखते हुए थोड़ा इंसाफ सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि कितने शिक्षा मित्र 22 वर्षों से यही इंतजार कर रहे हैं और कितने जो है या रिटायर हो चुके हैं लेकिन उन्हें कुछ आज तक नहीं मिला है। वहीं पर 2017 से जो है हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद यह जो है उन्हें 7 वर्षों से 10,000 ही मिल रहे हैं। इस बीच में कोई भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, जिससे कि मानना है कि मानदेय जल्दी से जल्दी बढ़ेगी और विधानसभा सत्र भी चालू होने से पहले ही अब जो है आवाज़ उठने की या प्रक्रिया चालू हो जाएगी। घर की माली हालत देखते हुए शिक्षा मित्रों का उत्तर प्रदेश सरकार को न्याय करनी चाहिए, जिससे कि वह उन बहनों को सही और खुशियां उनके चेहरों पर उनके बच्चों और उनके आर्थिक स्थिति और माली हालत को सही सुधार किया जा सकता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इस महंगाई से आने जाने में भी लोग जो है कोई भी ऐसा जो है शिक्षा मित्र बहने होंगी जो 30-40 किलोमीटर से प्रतिदिन यात्रा करके आती हैं, जैसे कि बस ऑटो का किराया, तो आप समझ सकते हैं इस वर्ग महंगाई कमर तोड़ रहा है किराए से ही। उसके बाद खाने पीने यानी खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो सब्जी आसमान छू रहा है, टमाटर आलू और भिंडी अनेक ऐसे सब्जियां हैं जो कि 50 से ऊपर ही हैं, टमाटर 100 से ऊपर बिक रहा है। दाल अगर बात करें तो अरहल की दाल 200 रुपये किलो है, ये भी अधिक महंगी है। जहाँ पर दूध जो है खाना और दूध जो है लगातार बढ़ रही है, इसका भी रेटें बढ़ रही है, वहीं पर आम व्यक्ति जो है त्रस्ती पर है। शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10,000 रुपये ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मानदेय मिल रहा है, जो कि यह नाकाफ़ी है। और वहीं पर जो है हाई कोर्ट भी यह कह चुका है कि यह नाराज़गी जताते हुए कि 30,000 रुपये बहुत कम है और जल्दी से जल्दी इसका बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। 30,000 रुपये कम से कम सभी शिक्षा मित्र बहनें मांग कर रही हैं, जो कि घर परिवार आर्थिक स्थिति और ऊंचा किया जा सके और सही ढंग से रहा जा सके। तो बस हम यहीं तक शिक्षा मित्रों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और आपके चेहरे पर खुशियां आए और आपकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही शुभकामनाओं के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।